है, तो क्या इस नेक काम के लिए उसे अपनी बीवी से सलाह मशवरा करना चाहिए, इजाजत लेनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी हो जाती है। कई घरों में हम देखते हैं छोटे बच्चे हैं, कुछ मसले मसाइल हैं जो शौहर के बिना पूरे नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे में क्या हुक्म है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो क्योंकि ये एक ऐसी इबादत है जो आपके ऊपर छोड़ी गई है, मतलब सुन्नत इबादत है, आपके ऊपर अल्लाह ने फर्ज नहीं की। बिल्कुल आपको अपने घर के हालात के हिसाब से फैसला करना चाहिए। अगर वाकई बहुत मासूम बच्चे हैं और आपकी बीवी अकेली है और आपको लगता है कि आपके 10 दिन दूर रहने से वो बच्चे मुतासिर होंगे, उनकी तरबियत या उनकी किफालत में दिक्कत आएगी, तो बिल्कुल आपको एहतिकाफ फिर और थोड़ा सा टाल देना चाहिए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इतनी जिंदगी दे कि आगे आप इस सुन्नत को अदा कर सकें। तो बिल्कुल अपने चारों तरफ देख के और माहौल के हिसाब से अपनी बीवी से मशवरा करके, अगर आपकी बीवी ये कहती है कि मैं मैनेज कर लूंगी, आपके और रिश्तेदार हैं, ब्रदर हैं या साले वगैरह हैं, वो मैनेज करा देंगे चीजों को, तो फिर तो बिल्कुल ये बड़ी सुन्नतों में है। लेकिन अगर कोई नहीं है और आप अकेले हैं और आपकी वाइफ है, कहीं जॉब आप कर रहे हैं, आपका खानदान भी दूर है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो फिर मेरे नजदीक तो आपको ये एहतिकाफ टाल देना चाहिए, क्योंकि मासूम बच्चों की किफालत अल्लाह ने आपके ऊपर डाली, जो फर्ज है। असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजें हमें वजाहत के साथ कर दी, तो हमें उन चीजों को फॉलो करना चाहिए। जो चीज मुकद्दम है, किसी कीमत पे नमाज हम नहीं छोड़ सकते, किसी कीमत पे रोजा हम नहीं छोड़ सकते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। लेकिन जिन चीजों को हमारे ऊपर ऑप्शनल छोड़ा गया है, उसमें हम पुरानो हदीस और अपनी अकल के हिसाब से फैसले करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हिकमत उसमें नजर आएगी, और हिकमत को कुरान खैर कसीर कहता है। तो मेरे नजदीक तो इसमें सोच समझ के फैसला करना चाहिए। बिल्कुल।